फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे साइंटिफिक तरीका कौन सा है ये असेसमेंट करने के लिए कि व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए दवा की ज़रूरत है या नहीं और किस लेवल पर दवा की ज़रूरत है या नहीं। यूरोस्कोर एनालिसिस काफ़ी साल पहले एक इंट्रोड्यूस एक टैबुलर सिस्टम था जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें व्यक्ति की कितनी एज है, मेल है या फीमेल है, स्मोकर है नॉन स्मोकर है, ब्लड प्रेशर कितना है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितना है, इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये स्कोर दिया जाता है व्यक्ति को। उसमें इंडिया में जो क्योंकि हाई रिस्क कंट्री माना जाता है तो उसके हिसाब से हम हाई रिस्क वाला चार्ट यूज़ कर सकते हैं। कितना ज़्यादा स्कोर आता है उसमें मेल पेशेंट में उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं, फीमेल में मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं और उससे कैलकुलेट होता है कि 10 ईयर्स में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से व्यक्ति में मृत्यु दर कितना होगा। और इस टैबुलेशन को हम एक दूसरे चार्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लेवल तक हम पेशेंट का एलडीएल लेवल को टॉलरेट कर सकते हैं। जिन लोगों का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है उनको एलडीएल हम टारगेट 70 रखते हैं, जिन लोगों का रिस्क फैक्टर बहुत कम है उनका एलडीएल 150-160 तक भी हम बिना दवा के चला सकते हैं।